दिया है पर्दा, और जो मेरे सामने मुझे रोशनी पड़ती है जहाँ विंडो लगी है वो वाला मैंने जो है वो पर्दा खोल लिया है। और अब मेरी आपको आवाज़ और शक्ल दोनों चीज़ें नज़र आएंगी, और मैं जल्दी जल्दी से अपने खाने की तैयारी कर रही हूँ ताकि जो है मैं बच्चों के लिए भी और आपके लिए भी जल्दी से वो खाना सारा कुछ पेश कर सकूँ, और जो है आप लोगों का टाइम ज़्यादा बर्बाद ना करूँ, और जो आपके सर में भी ज़्यादा दर्द ना करूँ। अभी मैं कटिंग कर रही हूँ प्याज, क्योंकि मैंने मसाला तैयार नहीं किया है, अभी मैंने जो है बिरयानी का कुछ भी नहीं किया है, अभी मैंने सिर्फ चावल का काम किया है, क्योंकि चिकन है, चिकन 2 मिनट में जो है वो गल जाती है, उसके लिए मुझे कोई भी ख़ास काम नहीं करना पड़ता। चिकन गल जाएगी और जो है फटाफट हम मसाला बनाएंगे, तैयार करेंगे, और फिर दही रायते के साथ, सैलेड के साथ जो है चटपट सी बिरयानी आप लोगों को भी सर्व करेंगे, और जो है बच्चा पार्टी को भी खिलाएंगे। अभी जो है वो सुहेब को नहीं पता कि बिरयानी बनने, क्योंकि मेरा अचानक से मूड बना था, तो ये वजह है कि अभी सुहेब नहीं जानते। और जी बिरयानी सबको पसंद है, आई नो। और जो है मैं जो हूँ ना, बस बिरयानी बनाने में मुझे आती है काहली। अच्छा, वो जो बघार वाले चावल होते हैं ना, ढाई टाइप के, इन सब चीज़ों के, तो उसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि ना बस झटपट करना होता है, तो जल्दी जल्दी मॉर्निंग में सफाई वगैरह के बाद जो है खाना बनाना होता है, और किचन भी मैं कोशिश करती हूँ साथ के साथ समझ जाए, लेकिन किसी दिन रह जाता है, मूड नहीं हो रहा होता, तो किचन समेटते समेटते फिर टाइम हो जाता है, फिर ऐसा खाना बनाने का मिल जाता है जो झटपट बन जाए, पर जो झटपट नहीं बन पाता तो फिर उसमें लगता है टाइम। तो जल्दी जल्दी से आप लोग सब आएँ और मेरे साथ बिरयानी आज की शेयर करें, और जो है बताएं मुझे टेस्ट करके कैसी है, क्योंकि ये मैंने कोई भी सेला चावल और बिरयानी चावल और ऐसा चावल की नहीं बनाई है, ये मैंने जस्ट जो हमारे घरों में आते हैं आम चावल जो होते हैं ना, मुझे तो नाम भी नहीं पता इतने, तो ये उस वाली है। ये मैं अभी प्याज कटिंग कर रही हूँ, आप लोगों को शायद ना आ रहा हूँ, तो मैं ऐसे करके खाती हूँ, ये देखिए मैं अभी प्याज कटिंग कर रही हूँ। टमाटर मेरे जो है वो मैंने बॉईल करके, और जो है मेरे बॉयल हैं, और उसमें मैंने उनको ग्राइंड किया है, तो उसमें मुझे कोई ऐसे अच्छे ना प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल उनके पकवान से भी आ गए हैं सब, जल्दी जल्दी से आ जाएं, और जो है मुझे अच्छा थोड़ा बहुत आप लोग भी गाइड करें कि आप लोग अपनी बिरयानी में जो है क्या ऐसी चीज़ डालते हैं जिससे उसमें खुशबू अच्छी आती है और उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। जल्दी जल्दी से मुझे आप लोग कमेंट्स में लिख के बताएं, ताकि मैं भी अपनी बिरयानी में वो जो है वो सब डाल सकूं, सॉरी वो भी डाल सकूं, और जो मेरी बिरयानी का टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाए। तो मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों के कमेंट्स का, और सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, मुझे अभी नाम नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ सलाम नज़र आया है, ग्लासेस लगाती हूँ मैं भी, फिर देखती हूँ, और जल्दी जल्दी से मुझे बताइए आप लोग, तो मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों का कि आप लोग अपनी बिरयानी में ऐसा क्या डालते हैं। मसाला मसाला तो सब वही डालते हैं, मिर्चे, हल्दी और धनिया, ये सब चीज़ें, बट मसाले के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे बिरयानी में टेस्ट आता है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है आप लोगों को। अच्छा, मैंने हाफ काम जो किया है तो मैंने ब्लॉग भी बना लिया है साथ साथ, क्योंकि जो है वो उस वक्त नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो स्टार्टिंग का जो मैंने काम है सारा बिरयानी का, वो मैं आपको ब्लॉग में जो है वो भेजूंगी, बताऊंगी, ठीक है। अभी जो है मैंने प्याज कटिंग कर दी, फटाफट अच्छी प्याज कटिंग हो जाएगी, ये देखें अच्छी खासी हो गई है, थोड़ी सी और काटेंगे बस, और जो है फिर हमारी प्याज भी डन हो जाएगी। प्याज को कटिंग करने के बाद हम फ्राई करेंगे फटाफट से, चिकन डालेंगे, और आगे का प्रोसेस आप भी मेरे साथ शेयर करें कि आप लोग क्या करते हैं, मैं भी अपने ग्लासेस लेके आती हूँ। जी मैं आ चुकी हूँ अपने ग्लासेस लगा ले लगा के, और अच्छा मैंने ऑयल डाल दिया है, ऑयल डाल दिया है मैंने पतीली में, ताकि जो है वो ऑयल डन हो जाए। अब मैं पढ़ सकती हूँ आप लोगों के कमेंट्स, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त है। ऑयल डन करने के बाद जो है
मैं फिर ना